एवरीवन, वेलकम बैक इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 5 से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो में, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये पूरा फंक्शन आपका एक्स में है, ठीक है। तो x में तो बस x को साइड में करना है हमको और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे, ठीक है। तो ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके डिवाइड में भेज दो, तो dy इक्वल टू हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ले लेता हूँ इसका, वो तो आप लिख दोगे दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, इक्वेशन वन मान लेना। इसको करोगे आप भाई, आ जाएगा यहाँ से डिफरेंशिएट, इसका करना पड़ेगा। देखो इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका साइड में, इसको साइड में सॉल्व करके लाते हैं, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। देखो बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में देखा होगा, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज में आपका इंटीग्रेशन में, वहाँ आपने देखा होगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या करो, अगर आप लेट करो इसको, तो देखो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, प्रतिस्थापन जो मेथड है आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 7.2 में इंटीग्रेशन में, इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से कर लेना, उसका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, वही मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन वाला। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मान लो, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, फिर आप जब माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस की हो जाएगी और e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये dt अपॉन dx हो जाएगा, t का x के रेस्पेक्ट में dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt, ये आ गया। अब देखो यही है आपको ऊपर, तो हम क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड में, आपको पता था हम एक इसमें से कोई फंक्शन लेट करते हैं t, उसको लेट करते हैं कि अगर हम ऐसा ही फंक्शन t माने उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आए, ठीक है, वो भी इसमें मिल जाए, ठीक है। यही तो मैंने इसको t माना, तो देखो ये आ गया, ये जो है इसमें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका देखो y हो जाएगा डिफरेंशिएट, इसका क्या हो जाएगा आपका ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस dx की वैल्यू क्या है आपकी dt है, तो ये dt हो गया अपॉन नीचे इसकी वैल्यू t थी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log t प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो log, अब t की वैल्यू रख दो क्या है, ये है e की पावर x, इसको मान लो ये इक्वेशन यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन a, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे आप t की कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c, ठीक है। y इक्वल टू इतना आ गया आपका, तो ये इसका सॉल्यूशन है आपका, बहुत इजी था, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, कोई टफ नहीं था ये। अब देखो यहाँ से आप इसको और भी, अगर मान लो आंसर के ऊपर अगर मैं, अगर ये आप कहोगे ये इसका आंसर नहीं दिया है आंसर शीट में, तो कुछ नहीं है, सी को आप लॉग सी मान लो, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, फिर आप लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है आपका लॉग ए बी होता है, ठीक है। क्या होता है ये बन जाएगा लॉग ए बी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व होने के बाद y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप जानते हैं, देखो यहाँ y इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे लोगे, जब लॉग मानोगे तब कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, पर लेकिन फिर भी मैं आपकी आपके बता देता हूँ, ठीक है। जब तो यहाँ लॉग सी मानोगे तो ये इसका सी का इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग सी इंटू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप लॉग को इधर भेजोगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, तो e की पावर y इक्वल टू c e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आ जाएगा। तो ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बस लॉग की कंडीशन होती है, वहीं अगर आपको लॉग की कंडीशन अच्छे से पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो फिर मैं इस पर लॉग पर कंडीशन पर एक वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे रहता है। तो लॉग को इधर भेजते हैं तो e की पावर में y हो जाता है, एंड लॉग की जो बेस में होता है यहाँ पर बेस देखो e है, कुछ नहीं है तो e है, अगर अदर बेस होता तो वो हमको दिखाना पड़ता, पर लेकिन हम नेचुरल बेस e को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको जब बेचते हैं तो इस e की पावर जो बेस में होता है उसकी पावर पर चली जाती है नंबर, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो ये फिर आ जाएगा, अगर ये आंसर दिया तो आप समझ लेना बस इसका आगे सॉल्यूशन कर दिया है, आप यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन यही भी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका dy अपॉन dx इक्वल टू
dy upon dx is equal to 1 plus x square और 1 plus y square, ठीक है, ये है आपका। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी है, ये भी टफ नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, सिंपली देखो आपको ये दिख रहा है 1 plus y square को dy के नीचे ले जाओ तो dy upon 1 plus y square हो जाएगा, और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 plus x square dx हो जाएगा। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो dy upon 1 plus y square, आपको पता होगा इंटीग्रेशन होता है dy upon 1 plus y square का होता है आपका tan इनवर्स y, ठीक है, प्लस का सी, यहाँ x होता तो tan वर्स x हो जाता, z होता तो tan वर्स z हो जाता, ये आपको पता है ना, ये सिंपल फॉर्मूला बन गया, इसका भी कर लो, इसका हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है, इम्प्लाइज दैट tan वर्स y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट कर दूँ, या चलो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, dx प्लस इसका इंटीग्रेशन के साथ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x, इसका कितना आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, कैसे आया आपको पता है, आपको पता होगा x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है आपका, x की पावर n में एक ऐड कर दो, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, तो वही सेम केस था, n की अपन यहाँ 2 था तो 2 प्लस 1 3 हो गया अपॉन 3, n प्लस 1 आएगा ना, पावर जो बनेगी वो नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका, हो जाएगा tan इनवर्स y। आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, tan को इधर भेज सकते हैं, वो सब हो सकता है, पर लेकिन हम यही इसका सॉल्यूशन तोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, ये है y बाई log y dx एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली इसको इधर ले जाओ तो y log y dx एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये y वाला और ये x वाला, तो इनको इसके बीच डिवाइड में भेज दो और x को इसके डिवाइड में ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका dx एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, और इन दोनों को इसके डिवाइड में भेज दो डी वाई अपॉन वाई log y, ये आ जाएगा ना। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वही लगाओ, देखो आप सब्स्टिट्यूशन में लगाओगे यहाँ पर तो log y को अगर आप कुछ मानते हो, ठीक है, t मानोगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y होता है, जो इसमें है देख लो 1 अपॉन y है ना, 1 अपॉन y इसमें है, ठीक है, तो dx अपॉन x का चलो पहले मान लेते हैं, लेट log y इज इक्वल टू t, log y का डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, तो log y का 1 अपॉन y और y का 1 हो जाएगा, और इसका dt अपॉन डी वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी टी अपॉन डी वाई, डी वाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलो डी वाई अपॉन वाई इजकल टू डी टी हो जाएगा, ओके। देखो ध्यान से आओ, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स इजकल टू, तो आपको ये पता होगा मैं ये जो लगा रहा हूँ ये आपका मोड होता है, क्योंकि लॉग के साथ जो यहाँ वैल्यू आती है ना वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, अगर मान लो अगर नेगेटिव भी होगी तो ये मोड पॉजिटिव कर देगा, मोड की क्या खासियत होती है, मोड के अंदर कोई वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही देता है, माइनस फाइव होती तब भी फाइव होगा, प्लस फाइव होगी तब भी फाइव होगा, इसलिए मोड लगा बस इसलिए लगा देते हैं लॉग के साथ मोड, अगर आपने देखा हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए, लॉग की कंडीशन होती है ये, लॉग की ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉग का, ये ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए मोड लगा देते हैं, अगर मान लो एक्स नेगेटिव भी होगा तो ये मोड पॉजिटिव कर देगा, बस इतना है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये डी वाई अपन वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो डी वाई अपन वाई आपको दिख रहा होगा, डी अपन वाई कितना है डी टी, और लॉग वाई आपने टी माना था तो डी टी अपन टी, लॉग वाई टी माना था टी रख दिया उसकी वैल्यू आ गई, इसका कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी, अब वैल्यू रख दो आप, टी की वैल्यू कितनी है आपने लॉग वाई माना है, लॉग वाई प्लस का सी वही हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करता हूँ आगे मैं, ठीक है, लॉग को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐड दे देता हूँ, तो ये देखो ये लॉग एक्स है आपका, ये आपका हो गया लॉग, टी की वैल्यू कितनी है लॉग वाई, और देखो इसको आप सी ना मान के लॉग मान लो, क्योंकि लॉग में काम हो जाएगा लॉग सी, देखो आंसर थोड़ा सा ऐसे भी वेरी कर सकता है, मान लो एग्जामिनर ने जो आंसर दिया आंसर शीट में लॉग एक्स के साथ सी को लेके दे दिया हो, ऐसा हो सकता है, हमने वाई के साथ ले लिया है, ठीक है, ऐसे वेरी कर सकता है आंसर, बस ये कंफ्यूज नहीं होना आपको कि आंसर उसमें ये दिया है वो दिया है, ऐसा हो सकता है उसने लॉग सी इसके साथ ले लिया तो आंसर वेरी कर जाएगा, हमने इसके साथ ले लिया है, ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक। अब देखो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए बी, तो लॉग ए क्या है लॉग वाई और इंटू सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका लॉग एक्स है, अब देखो आपको पता है लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बच्चे का एक्स इजकल टू सी लॉग वाई, या आगे और सॉल्व करूं इसको, देखो ध्यान से सी को इसके डिवाइड में भेज दो तो एक्स अपॉन सी हो जाएगा,
देखो सी को इसके डिवाइड में भेजो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन सी बन जाएगा। सी को इसके डिवाइड में भेजोगे तो एक्स अपॉन सी बन जाएगा, ये बचेगा इधर आपका लॉग वाई। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये हो गया। अब आप देखो, देखो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, समझ लो जैसे ए इज इक्वल टू, जैसे लॉग आपको बार बार दिखेगा ये, जैसे लॉग ए इज इक्वल टू बी दिया हो। ठीक है, अब लॉग का कोई बेस नहीं दिया इसके बीच में, तो समझ लो ना उसका बेस ई है। ठीक है, अब यहाँ से आपको लॉग को इधर ट्रांसफर करना है, लॉग को इसके इधर ट्रांसफर करना है, तो कैसे होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर होगा आपका ए इज इक्वल टू जो बेस में होता है ना, उस बेस को यहाँ पर लिख दो और ये जो होगा इधर इसकी पावर में ये पहुंच जाएगा। अब कैसे होता है इसको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, पर लेकिन फिर हम कर रहे हैं ये और उस पर चले जाएं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना समझ लो, जब भी आपको ऐसे लॉग को इधर भेजना हो, मान लो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी हो आपको इस लॉग के साथ जो है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, बस बेस की पावर पर इसको बना देना, इसको बेस की पावर पर पहुंचा देना। तो यहाँ भी सेम कुछ नहीं, तो लॉग ई बेस है, ई बेस होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ से आप बाई की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, बाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई की पावर पर पहुंच जाएगी, पावर ई की पावर एक्स अपॉन सी। अब ऐसा हो सकता है एग्जामिनर मान लो ये आंसर दे दे, हो सकता है ना, अब मान लो ये आंसर दे दे और आपने यहाँ आंसर छोड़ा, तो बहुत डिफरेंस है ना लॉग की, देखो कितनी कंडीशन यूज हो गई, एक कंडीशन यहाँ पर लग गई, एक कंडीशन यहाँ पर लग गई, पर आंसर यहाँ हम पहुँच गए। ठीक है, ये है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, पर लेकिन साथ साथ आप लिखा करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं। तो ये देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये आपका है इजकल टू माइनस वाई की पावर 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करना है, पहले क्या करता हूँ, y को इधर ले जाऊँ तो डी वाई अपॉन वाई की पावर 5 हो जाएगा, माइनस को इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस डी एक्स के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स, और ये इसके डिवाइड में जाएगा ना नीचे एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा ना। वाई को इधर ले जाओ ऊपर तो वाई की पावर माइनस 5 हो जाएगा डी वाई इजिकल टू, एक्स को इधर ले जाओगे तो माइनस एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो वाई की पावर माइनस 5 का जब आप इंटीग्रेशन ले लोगे तो कर दो एक्स की पावर एन, फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा था, इससे एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो एक्स की पावर माइनस 4 जो पावर में वो लिख दो नीचे माइनस 4 इजकल टू बाई है, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं बाई है, ठीक है यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 4 ही हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन नीचे क्या आएगा माइनस 4 प्लस का सी। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो माइनस वाई की पावर माइनस 4 अपॉन 4, या फिर ऐसा कर लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से वाई को नीचे ले जाऊँ पावर में तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, ओके ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, तो माइनस 1 अपॉन 4 वाई की पावर 4 इजकल टू, इसको भी नीचे ले आओ 1 अपॉन 4 एक्स की पावर 4 प्लस का सी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक काम कर लेना, अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या एक काम ये कर लो कि आप 4 को भी कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, 4 को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, देखो पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 इजिकल टू, यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचेगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 सी हो जाएगा, यहाँ हम मान लेंगे कि 4 सी इजिकल टू कैपिटल सी या सी डैश मान लो, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी डैश, क्योंकि ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट है कुछ ही मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की पावर 4 ही आ जाएगा आपका। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, ठीक है इसको इधर ले आओ माइनस कर लो, या आप ऐसे बहुत सारे टर्म यहाँ पर आप लगा सकते हो इस, या आप जो फ्रैक्शन बन रहे हो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ तक आप सॉल्व करना चाह रहे हो। अब आप आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये तो आ गया, ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा वो करेगा नहीं, बेस्ट तो ईजी है थोड़ा सा इंटीग्रेशन, तो देखो इसमें बस इंटीग्रेशन का ही खेल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और तो इजी है, तो साइन इनवर्स एक्स तो वैसे भी आपने किया होगा इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, साइन इनवर्स एक्स आता है एक्सरसाइज 7.6 में। ठीक, सॉल्यूशन देखो, डीएक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, डीएक्स एक्स के साथ एक्स वाला, वाई के साथ वाई के साथ, और इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो,
अब इसका इंटीग्रेशन आपको मैं करवाता हूँ यहाँ पर, एक बार लिख दूंगा फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता ना तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो आपका आईलेट से एक ये होता है, ये आईलेट, इसका तो अच्छे से ही समझा देता हूँ। देखो आईलेट, आईलेट का मतलब ये होता है आपका कि जब भी आपको मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, और डीएक्स के रेस्पेक्ट में करा रहा हूँ मैं आपको, तो मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और उसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़े, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला आपका डिफरेंशिएशन आपने किया होगा, तो मल्टीप्लाई में अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो कैसे करते हैं? देखो वैसे कंडीशन तो आईलेट के अकॉर्डिंग करते हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन उसी को माना जाएगा, इसमें से हम इसमें प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे इसने देखो दो फंक्शन नहीं दिए, यहाँ पर एक ही था, वैसे इसमें दूसरा फंक्शन हम वन लेके चल सकते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन हम मान सकते हैं, ठीक है वन। तो जैसे मान लो दो फंक्शन दे दिया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स दे दिया मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल दो फंक्शन है। अब आप इसमें जो फर्स्ट उसी को मानोगे इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो आपका ये इनवर्स, अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट माना जाएगा, प्रायोरिटी में ऊपर रखा जाएगा, उसको फर्स्ट माना जाएगा। अगर मान लो इनवर्स फंक्शन नहीं है तो आप लॉगरिथम को मानोगे, लॉग एक्स टाइप का, ठीक है, लॉग एक्स आ जाए या लॉग की पावर एक्स हो, ठीक है, उसको आप मानोगे, या फिर एल्गोरिथम टाइप का हो जैसे ई की पावर एक्स हो, उसको आप प्रायोरिटी दोगे। अगर मान लो वो भी नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दोगे, तो यानी प्रायोरिटी दोगे आप फर्स्ट फंक्शन की बात हो रही है, सेकंड की नहीं, फर्स्ट किसको मानोगे, इसके अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग। अगर इनवर्स है तो इनवर्स को दो, नहीं तो फिर लॉगरिथम को मानो, नहीं तो एल्गोरिथम को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। एल्गोरिथम होता है आपका, या आप e की पावर x टाइप का हो या किसी टाइप का हो, ये आप मान सकते हो, ठीक है। तो आईलेट के अकॉर्डिंग आप याद रखना ये, और मान लो ऐसा हो, और या एक सिंपल ट्रिक ये याद रख सकते हो, मान लो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा आपने, इंटीग्रेशन पढ़ने का मतलब जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है ना, उसी को आप फर्स्ट मान लो। उसी को फर्स्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि जब इसका फॉर्मूला देखोगे ना तो उसी उसी टाइप से इसका फॉर्मूला बनाया गया है कि उसमें उसका इंटीग्रेशन में, यानी उसमें उसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है फॉर्मूला में, इसलिए हम उसको फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन उसका होता भी नहीं है और उसका यूज भी नहीं होता, पर लेकिन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये माना जाता है। तो फर्स्ट का आप समझ में आ गया ना, फर्स्ट किसको मानना है, जो इसके अकॉर्डिंग हो, आईलेट के अकॉर्डिंग, या ऐसे याद रखना जिसका आप इंटीग्रेशन आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको मान लेना फर्स्ट। तो जैसे अगर मान लो ये हो गया, अब इसको लेते हैं, तो ये आपका है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अगर ये होता तो इसमें तो देखो इक्की पावर एक्स का भी जानते हैं आप, एक्स का भी जानते हैं, तो वैसे इसके अकॉर्डिंग तो आपको इक्की पावर एक्स को मानना चाहिए, ठीक है। तो इक्की पावर एक्स से मानोगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर एक्स से मानोगे, एक्स को फर्स्ट मान लो, इक्की पावर एक्स को सेकंड मान लो, तब भी हो जाएगा क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर जानते हो। पर लेकिन जब इक्की पावर एक्स इससे मानोगे तो ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक्स इंटू की पावर एक्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस रहता है, हो जाएगा पर लेकिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, अब एक ही फंक्शन था, अब एक ही, इसका तो वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसका, मतलब मैंने सोचा कि आईलेट लगा दूं मैं वो फर्स्ट पर, लेकिन इसके लिए दो फंक्शन होने चाहिए, एक ही है, तो हमने सेकंड फंक्शन इसका मान लिया वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमने मान लिया वन। अब देखो इसको फर्स्ट किसको मानोगे, क्योंकि आप साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जानते नहीं है, जानते तो सीधा ही कर देते, फिर क्यों इतना हम लगाते इसमें मेथड, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं वन को, तो कैसे होगा फिर देखो, इसका फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का, देखो ध्यान से, फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, माइनस, अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन, अब फिर होगा आपका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होगा सेकंड का अंदर, फिर ओवरऑल ये वाला, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए डीएक्स है ये, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट का सेकंड का यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे, जो सॉल्व होने के बाद आएगा, फिर उसका भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट सेम रखो साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड को क्या मान लो वन, वन ही तो है, तो वन क्या सीधा मैं डीएक्स लिख देता हूँ, वन का डीएक्स मल्टीप्लाई करोगे डीएक्स आ जाएगा माइनस, यहाँ से देखो फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन, सेकंड को मानो सेकंड क्या वन, तो वन इंटू डीएक्स, वन डीएक्स ही लिख दूं सीधा, और पूरे ओवरऑल का डीएक्स आ गया, ठीक है। देखो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएक्स से आ जाएगा ना इसका, तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस इसका, सॉरी यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन तो लिखा ही नहीं ना, डी अपॉन डीएक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद डाल देता हूँ, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन
वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन इंटू इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो यहाँ x लिख देता हूँ, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, अब ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन मुझको करना है, ठीक है। तो देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूँ तो ये एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, तो आ गया एक्स, ठीक है। तो ये काम करने वाले हैं यहाँ पर हम, तो लेट कर लेते हैं, तो यहीं पर ये चीज़ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आप ये लिखना पहले, फिर ये लिखना, तो मैं अब डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ, एक्स अपॉन अंडरूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। अब मान लो लेट, इसका तो वाई आ जाएगा, इसको मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अब देखो वन का जीरो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड जिसका फंक्शन हो उसी के रेस्पेक्ट में करना, वाई होता है वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका करोगे वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो जाएगा, डी टी का करोगे डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टू एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी आ गया। अब देखो मुझको तो एक्स डी एक्स चाहिए ना, बस ओनली एक्स डी एक्स है ऊपर, तो माइनस टू को डिवाइड में भेज दो, तो माइनस वन अपॉन टू डी टी हो जाएगा, ये बचा एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से देखो वाई इजकल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, कितनी है, माइनस वन अपॉन टू है, तो माइनस वन अपॉन टू बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन टू हो जाएगा ये, तो माइनस वन अपॉन टू बाहर निकाल दिया, क्योंकि एक्स डी एक्स की वैल्यू रखोगे माइनस वन अपॉन टू डी टी, तो माइनस वन अपॉन टू को मैंने बाहर निकाल दिया, डी टी ऊपर रख लिया, डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर टी, वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी हो गई, ठीक है। अब देखो वैसे डी टी अपॉन रूट टू का जो इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी आता है, सॉरी टू रूट टू ने टू बाई थ्री, और ये टी की पावर थ्री बाई टू आएगा, ये टू रूट में टी ही आएगा। देखो कैसे सिंपल है इसका, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप साइड में करते रहना, ठीक है। तो डी टी अपॉन रूट टी है ये, कैसे होगा देखो, डी टी अपॉन टी की पावर वन अपॉन टू कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वन अपॉन टू ही तो होगी टी की पावर, ठीक है, रूट है इसका रूट, और टी को ऊपर ले जाओ तो टी की पावर माइनस वन अपॉन टू डी टी हो गया, और टी की पावर माइनस वन अपॉन टू को सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ही तो करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे सिंपल एक्स की पावर एन फॉर्मूले से, तो क्या होता है एन प्लस वन कर दो, तो टी की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन करोगे, माइनस वन अपॉन टू प्लस वन करोगे, अब वन में से हाफ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हाफ ही तो बचेगा, तो टी की पावर वन अपॉन टू बचेगा, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी प्लस का सी, तो टू मल्टीप्लाई होकर ऊपर बन जाएगा, तो टू, और ये आपका आ जाएगा टी की पावर वन अपॉन टू, क्या होता है रूट बाई तो है, तो टू रूट टी प्लस का सी, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया समझ आएगा ना, बस पावर को ऊपर ले जाओ, टी की पावर माइनस वन अपॉन टू बना, और फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो एक्स पावर एन वाला, तो ये आ जाएगा आपका वाई इजकल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का वन अपॉन टू, यहाँ से आ जाएगा टू रूट टी प्लस का सी, टू से टू कैंसिल, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का रूट टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, तो y इजकल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का खेल था सारा, और कुछ नहीं था इसमें, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो साथ साथ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक ये आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीन शॉट, ये भी ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ए की पावर x टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ए की पावर x sec स्क्वायर वाई डी वाई इजकल टू जीरो, ठीक है, ये है ए की पावर x टेन वाई डी एक्स इजकल टू जीरो, ठीक है। तो कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है, कहीं पर हो सकती है एरर हो सकता है, तो इसमें क्या करना है वही सेम काम करना है, तो किसी को भी एक साइड में ले जाओ, तो इसको ले जाता हूँ चलो, तो सॉल्यूशन, तो वन माइनस ए की पावर x, ये आपका sec स्क्वायर वाई मैंने इधर ही रख लिया, dy वाई इजकल टू, देखो ध्यान से इसको इधर ले जाओ तो माइनस सी की पावर x tan y dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y वाले को y के साथ में ले आओ और x वाले को x वाले के साथ पहुंचा दो, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर वाई dy वाई अपॉन टेन वाई नीचे आ जाएगा इजकल टू माइनस सी की पावर x dx पहले से ही था ये, इसको नीचे डिवाइड में भेज दो तो वन माइनस सी की पावर x पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन कर लो, टेकिंग
इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप देखो ध्यान से, वही सेम चीज सब्स्टिट्यूट मेथड वाला इसमें अप्लाई करना है आपको। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा कई बार क्वेश्चन ये यूज हो चुका है। तो आप देखो देखो सिंपल आपको दिख रहा होगा, टेन वाई को अगर आप टी मानोगे तो टेन वाई का डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर वाई होता है, जो सीधा दिख रहा है, कोई दिक्कत सोचने की बात है ही नहीं। तो टेन वाई इक्वल टू टी मान लो, इसका आपका sec स्क्वायर वाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर आपका dy आ जाएगा dt। देखो यहाँ पर मैंने dy क्यों लिख दिया, सिंपल सी बात है, देखो टेन वाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर वाई होगा, dt का dt अपॉन dy होगा, और dy का मल्टीप्लाई यहीं पर ही तो होता है, तो मैंने अब इस पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मान लो वन माइनस की पावर माइनस एक्स को टी मानो आप, यहाँ माइनस पहले से है भी, यहीं पर ले लो माइनस को, क्योंकि देखो माइनस आएगा यहाँ पर, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, की पावर एक्स का की पावर एक्स, तो माइनस की पावर एक्स, फिर डी टी अपॉन डी एक्स होगा, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले से, ठीक है। डी टी अपॉन डी एक्स होगा, उस डी एक्स ये वो है, डी टी अपॉन डी एक्स में मल्टीप्लाई होने के बाद, अब देखो ध्यान से sec का, इसको भी यू मानो इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डी टी, टेन वाई की वैल्यू टी इजिकल टू, इसकी वैल्यू माइनस ई की पावर डी एक्स की डी यू, नीचे की वैल्यू यू, ठीक है। तो डी टी अपॉन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग टी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग यू प्लस का लॉग सी, लॉग मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, तो सी इंटू यू हो जाएगा, ये आपका लॉग टी हो जाएगा, तो लॉग से लॉग कैंसिल, तो टी इजिकल टू सी इंटू यू, और टी की वैल्यू रख दो क्या है, टेन वाई, या इसको मान सकते हो आप ए एंड बी, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन को, इक्वेशन का मतलब समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो टी इक्वल टू सी वाई हो जाएगा, ये टी की वैल्यू टेन वाई है, सी इंटू यू की वैल्यू आपकी वन माइनस ई की पावर एक्स है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ईजी था, आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें अब प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे इसमें, सब इजी ही से दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको, बस इंटीग्रेशन का ये है इसमें, इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी ना, उसमें आपको इंटीग्रेशन थोड़े ईजी ही पड़ेंगे, ठीक है, उसमें मेथड आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से 11 टू 40 यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, विशिष्ट हल निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देगा, वो कंडीशन बस देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, ये मान लो सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन है, तो इसमें जो भी आपने निकाले जनरली निकाले सबके लिए अप्लाई, या बाई की वैल्यू कुछ भी रख दो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो कंडीशन दे देगा, कंडीशन क्या देगा, एक्स की वैल्यू कुछ दे देगा, बाई की वैल्यू कुछ दे देना, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक्स और बाई की वैल्यू रख देंगे, और वहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी की वैल्यू को ले जा करके फिर से इसमें रख देंगे, हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, यहाँ से आगे करना है थोड़ा सा, ठीक है, विशिष्ट हल में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 ये सब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये आपका है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये आपका थोड़ा लेंथी पड़ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपका आंशिक भिन्न पर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आप खुद कर लेना, मैं सोल्यूशन तक पहुँचा दूंगा, ठीक है इसका, ठीक है, या देखते हैं, चलो यदि x इजकल टू जीरो, तो y इजकल टू वन पर आपका x इजकल टू जीरो उसने दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन, देखो ध्यान से x x, ठीक है, अच्छा x x है कसा, ठीक है, तो इसके इसके डिवाइड में भेज दो, तो dy वाई इजकल टू, ये आपका है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, इसको भेजो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इंटू डी एक्स, ये है, ठीक है। यहाँ से अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बहुत सारा आप लिख देना, फिर वो ये लिख देना स्टेप, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन के, तो आप देखो पहले तो सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई कर लो, यहाँ से आप सीधा मान लो, देखो एक्स क्यू इंटीग्रेशन करोगे थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, जो ऊपर है भी नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स आएगा, फिर एक्स का वन भी आएगा, तो इसका मतलब ऊपर नहीं है, जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं वो अप्लाई फेल हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर आपके मेथड हैं आपका, आपने एक्सरसाइज 7.3 या 7.4 में भी जो मेथड अप्लाई किए होंगे वो भी आप यहाँ देख सकते हो, वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अप्लाई हो रहा है, आप यहाँ पर अगर आप आंशिक भिन्न वाला जो कॉन्सेप्ट है ना एक्सरसाइज 7.5 उसमें एक मेथड है, तो वो यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लगाएंगे। देखो अब यहाँ से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो इसमें,
यहाँ पर देखो अंश गुणा आपको कैसे लगाना है, देखो सिंपली अब आपको दिख रहा है कि जो इसमें जो न्यूमिनेटर की पावर है, जो अंश है उसकी पावर आपकी कम है, किससे, इससे। तो आपको पता है आपको बस इसको ब्रेक करना है, ठीक है। जो आपको इसमें जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हर में जो दिख रहा है ना, ये आपको कैसे भी करके ब्रेक कर देना है, ठीक है। ब्रेक करोगे तो आपको आंशिक भिन्न पता होगा। अब देखो मैं आंशिक भिन्न बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा, वो फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगा, हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं तो आंशिक भिन्न पर आपको वीडियो मिल जाएगा डीसी लेक्चर्स पर, ठीक है, बहुत ही जल्द मिलने वाला है आपको, मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बात समझ लो कैसे करना है, बस अब देखो मुझको क्या करना है ना, मैं करूँगा क्या, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ब्रेक करूँगा। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर को मान लो, ये क्या बनेगा आपका एक्स प्लस वन बन जाएगा, इसमें वन को मान लो तो एक्स प्लस वन जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये एक ब्रैकेट आपका फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वन एंड सेकेंड ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट आ गए ना सिंपली, तो बस आंशिक भिन्न का काम हो जाएगा। तो ये दोनों आए, अब इसको याद रखना, तो या अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसको मान लो इक्वेशन वन बाद में यूज कर लेंगे इसका। तो ये आपका है एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक किया था अभी एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी में ब्रेक किया था ना ये। तो अब कंडीशन आंशिक भिन्न क्या कहती है, इसको आप मान लो ए अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आपको दो फंक्शन मान, दो क्वेश्चन मानने पड़ेंगे, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये मैंने आंशिक भिन्न का लगाया है बस, ठीक है। ये आंशिक भिन्न की कंडीशन जो आपने पढ़ी 7.5 में उसके अकॉर्डिंग किया है। क्या करते हैं नीचे देखो, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन ये ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन से प्लस बी एक्स प्लस का सी, या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन से, ठीक है। नीचे आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। ये एलसीएम लिया, ये आ गया, ये से कैंसिल, ये बचा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस। अब देखो ध्यान से, इसमें आप क्या करो, ये मल्टीप्लाई कर लो अभी, ठीक है। तो बी का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि बाद में काम आएगा ये। देखो बी बी एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। बी एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये बी एक्स हो जाएगा, सी का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सी एक्स हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। बी एक्स का इसके साथ बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का इसके साथ करोगे बन के साथ बी एक्स आ जाएगा, सी का सी एक्स के साथ सी एक्स आ जाएगा, सी का बन के साथ करोगे सी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है बस। तो ए बी सी की वैल्यू जब आप निकाल लोगे आपका काम हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमको यहाँ पर रख देनी है, फिर हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इनका भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये। तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, कैसे निकालेंगे देखो सिंपली, देखो ध्यान से, हम ए की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे देखो, ए या बी किसी एक फंक्शन की तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको ये दिख रहा है ना ये, इसमें क्या करो आप पुट कर दो, जो भी आपको देखो एक्स प्लस वन होता या एक्स माइनस वन होता या कुछ भी होता, देखो ऐसे भी कर सकते हैं कंपेयर करके कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म कंपेयर कर ले, तो ऐसे तीन इक्वेशन बनेंगे। मैं और इजी कर देता हूँ, तीन इक्वेशन ना बना के, जब भी आपको देखो ये सिंगल आपको देखा एक्स की पावर वन वाला दिखे ना, ठीक है, एक्स की पावर वन होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को आपको क्या करना है आंशिक भिन्न में उसको आपको जीरो के बराबर रख देना है। जैसे अगर x माइनस वन होता उसको भी जीरो के बराबर रख देते, या x माइनस थ्री होता उसको भी जीरो के बराबर रख देते, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पुट x प्लस वन इजकल टू जीरो, तो x वैल्यू यहाँ से निकाल लो क्या आएगी माइनस वन, अब इस वैल्यू को ले जाके यहाँ रख दो, ठीक है। दो फंक्शन इसमें से दो कॉन्स्टेंट जो माने ना आपने बी और सी, पक्का कोई ना कोई कैंसिल हो रहा होगा, दो एक ही बचेगा आपका आंसर निकल आएगा। देखो माइनस वन रखना यहाँ पर, माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, टू का वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे टू आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो माइनस वन हो जाएगा इजकल टू। देखो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो टू ए प्लस यहाँ करोगे आप देखो माइनस वन का स्क्वायर क्या बनेगा, वन ही आएगा, तो बी बी आ जाएगा, वन का मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे बी आ जाएगा। यहाँ करोगे माइनस वन का मल्टीप्लाई तो देखो प्लस माइनस, माइनस का बी हो जाएगा प्लस का, यहाँ करोगे वन माइनस वन का मल्टीप्लाई तो माइनस का सी हो जाएगा, ये तो ये प्लस का सी है ही। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा टू ए, यहाँ वन इजकल टू टू ए और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन टू, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता ना और ओनली ए और बी होते तो उस ऐसे ही निकाल देते दोनों की वैल्यू पर, लेकिन अब कंपेयर करना पड़ेगा हमको तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करना है आपको, देखो इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो ए एक्स स्क्वायर, इसमें भी अंदर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद ए का भी मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर, ए का वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर के टर्म का अलग कंपेयर कर दो, एक्स वाई टर्म का कर दो, कॉन्स्टेंट का अलग कर लो। देखो एक्स स्क्वायर टर्म कितना है टू,
टू, ठीक है, तो यहां लिख देना नाउ एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड से करो, आपको ये शायद आई होप नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, करो तो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर कितना टर्म है टू, यहाँ पर तो क्या ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का बी है, तो एक इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो इसको। अब एक्स स्क्वायर टर्म की कर दो, यहाँ पर कितना है वन एक्स का टर्म, देखो एक्स का कॉन्स्टेंट बनी तो है पदों के गुणांकों की, यहाँ लिखना पदों के गुणांकों गुणांकों की तुलना करने पर, कोफिशियंट की, ठीक है, तो इनके जो कोफिशियंट है ना एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ही तो लिया, एक्स स्क्वायर का टू था, एक्स का वन है। अब यहाँ पर देखो एक्स वाले, देखो एक्स का कितना है वी है और एक्स का सी है, तो बस इन दोनों से काम हो जाएगा, देखो ध्यान से अब, ठीक है, ये थर्ड मान लिया, फोर मान लिया इक्वेशन, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, देखो ध्यान से ए की वैल्यू कितनी है वन अपॉइंट टू रख दो, तो ए इजकल टू वन अपॉइंट टू पुट इन इक्वेशन, अरे सॉरी, ए इजकल टू वन अपॉइंट टू समीकरण कौन सा है थर्ड में रखने पर, तो रखो समीकरण थर्ड में टू इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है वन अपॉइंट टू प्लस का बी, तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका टू माइनस वन पॉइंट टू को दरवाइज दो माइनस वन पॉइंट टू, यहाँ सॉल्व करो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका टू एलसीएम आएगा, टू टू का टू से मल्टीप्लाई फोर, फोर में से बन जाएगा थ्री, तो थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा, ठीक है, तो बी की वैल्यू आएगी थ्री अपॉइंट टू, अब बी की वैल्यू आ गई ना, अब बी की वैल्यू को ले जा करके इसमें रख दो, यहाँ से सी आ जाएगा, तो बी इजकल टू थ्री बाई टू समीकरण फोर में रखने पर रख दो, तो वन इजकल टू थ्री बाई टू प्लस का सी, तो सी इजकल टू हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई टू, यहाँ सॉल्व करोगे माइनस वन पॉइंट टू आ जाएगा, तो ये सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन पॉइंट टू, बी की वैल्यू आ गई आपकी थ्री बाई टू, ए की वैल्यू आ गई वन पॉइंट टू, ए बी सी की वैल्यू ले जाकर यहाँ रख दो, ठीक है, इसको मैंने कुछ नहीं माना था क्या, इसको ये मान लो, तो ए बी और सी का मान समीकरण ए में रखने पर, तो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशन ए, यहाँ रखो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, देखो ये की वैल्यू रख दो का क्या है वन अपॉइंट टू, यहाँ रखोगे वन पॉइंट टू, तो वन पॉइंट टू बाहर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका वन पॉइंट टू अपॉन एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी ना, प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस वन पॉइंट टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन नीचे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ईजी है ना एकदम। अब क्या करो आप यहाँ से इंटीग्रेशन ले लो, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करोगे ध्यान से, देखो हमने देखो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे थे, पर लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमको निकालने के लिए हमने आंशिक भिन्न लगाई, आंशिक भिन्न से ये सॉल्व होके आ गया, अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसी से तो ये बना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब इसका इंटीग्रेशन, ये ही हमने यहाँ पर हेल्प की थी, ठीक है, तो दोनों तरफ अब ले लो समाकलन, तो इसका समाकलन लोगे आप टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या चाहे एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो देखो इसी की वैल्यू निकालनी थी हमको ये, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बनेगा ना, तो बस हमने इसको इसमें ब्रेक कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, इसका निकल जाएगा तो 1.2 को बाहर निकाल देता हूँ कॉन्स्टेंट को, ये डी एक्स अपॉन आपका एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों के नीचे है, ये इस टाइप का है, देखो ए ये मान लो ए है, ये पूरा ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी अपॉन ये आपका सी है, तो क्या आप इसको सी को इसके डिवाइड में ए अपॉन सी माइनस इसके डिवाइड में बी अपॉन सी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों के नीचे ही तो है, तो ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, इसको इसके साथ लिख दो, तो थ्री बाई टू को तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन टू को बाहर निकाल रहा हूँ, ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दोनों के नीचे हम लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन टू और डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा लॉग में एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई टू, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होगा
देखो इसका क्या होगा, ब्रैकेट में लेट कर रहा हूँ इसको, देखो लेट एक्स स्क्वायर, बस कैलकुलेशन है आपकी, कुछ नहीं है इंटीग्रेशन की। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे टू एक्स हो जाएगा, और इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। तो डी एक्स कहाँ से आ रहा है, डी टी अपॉन डी एक्स से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझको तो सिर्फ ओनली एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, टू को इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आ गई ये वैल्यू, अब देखो ध्यान से क्या बनेगा ये। तो एक्स डी एक्स क्या आ गया आपका, डी टी अपॉन टू। तो टू वन अपॉन टू को आप बाहर निकालोगे तो टू का वन अपॉन टू आएगा ना, तो नीचे ही तो है, तो टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है। ऊपर आपका डी टी, नीचे टी, माइनस वन अपॉन टू, ये किसका होता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, टेन नोट एक्स का, इसको मान लो सी, ठीक है। ये यहां से हो गया, तो ये चीज आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओ कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा ये साथ में लिखते रहना, अच्छा है साथ में लिखते रहोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका है वन अपॉइंट टू, ये देखो ऊपर था ये, ठीक है, लॉग में एक्स प्लस वन, फिर क्या आपका देखो प्लस में थ्री बाई फोर, ये डी टी अपॉइंट टी हो गया लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ यही है, प्लस ये कितना आपका वन अपॉइंट टू टेन वर्स एक्स प्लस का सी। अब देखो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें लॉग हम लगा सकते हैं, ठीक है, इसको पावर में ले जाओ, इसको पावर में ले जाओ, फिर लॉग ए इंटू बी कर दूँ, ऐसा कुछ हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, पर हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन को, क्यों, वैसे ही कैलकुलेशन बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी इसी की तो है, ये इसी के इक्वल में तो चल रहा है ना ये वैल्यू, तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर बी, नहीं नहीं कितने क्वेश्चन हो गए सर, फोर हो गए थे, इसको फाइव मान लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव मान लिया मैंने। तो ये वैल्यू को ले जाके यहाँ रख दूँ अब, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, क्या आया है ये वाला आया है, तो यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट एंड फाइव से, यहाँ रख दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप बाई आ जाएगा, और इसका ये आई गया है वन अपॉइंट टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉइंट टू टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी इसमें, वैसे इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना टफ नहीं था ये क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वन। हम एक मिस्टेक कर गए यहाँ पर, क्योंकि इसने इनिशियल कंडीशन दिया था ना अभी 11 वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक्स इजकल टू जीरो वाई इजकल टू वन दिया था। तो अब आप क्या करोगे, वहाँ से जो हमने आंसर छोड़ा था ना, अब आपको क्या करना है, क्योंकि मुझको आंसर पता भी नहीं क्या था, आपको क्या करना है, जो एक क्वेश्चन आया था, जो हल आया था सॉल्यूशन, उसमें ये वैल्यू रख देनी है, एक्स स्क्वायर जीरो वाई की वैल्यू वन, ठीक है। जब आप उसकी वैल्यू रखोगे तो उसमें आपको जो सिर्फ ओनली सी की वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि एक्स वाई और सी ही तो है उसमें, और एक्स और वाई की तो आप वैल्यू रख दोगे, तो बस सी की वैल्यू वहाँ से निकल के आएगी। तो जो सी की वैल्यू आएगी ना, उसको फिर ले जा करके जो आंसर आया था उसमें रख देना है, बस ये काम करना, एक्स और वाई रखोगे, ये वैल्यू निकालोगे उसमें रखोगे, तो वहाँ से सी की वैल्यू निकलती है, उस सी की वैल्यू को ले जा करके जो आंसर आया था उसमें रखेंगे, ठीक है। ये जो काम करना है मैं इस क्वेश्चन में कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, पर लेकिन आप उसको इससे कर लेना, ठीक है, आगे, ठीक है। तो मुझको आंसर ही पता होता है, मैं कर देता। तो ये आपका है वन, वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, एक्स क्या है ना, एक्स को एक्स के साथ में ले लो, तो इसका डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई इक्वल टू, इसका वन के साथ मल्टीप्लाई डी एक्स हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। अब देखो ध्यान से, तो अब देखो जो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ना, ये 11 12 हुए या 13 तो आसान है, 14 तो थोड़ा इंटीग्रेशन का इसमें खेल है और इजी है, ठीक है, आपको डरना नहीं है कि कैसे क्या करना है, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब क्या करना है इसमें, देखो इसमें भी हमको आंशिक मन लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आंशिक मन बनता हुआ दिख रहा है, इसमें भी वही चीज़ करना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, तो लेके आओ इसको,
तो वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको क्या करो आप, देखो वन अपॉन एक्स, इसको देखो ये क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका मतलब वन का स्क्वायर वन ही तो होगा, तो ये बन गया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये बन गया ना। अब इसको क्या करोगे आप, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में लिख सकते हो, ओके ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यही काम है यहाँ पर करने वाले हैं हम, देखो ध्यान से, इसको मैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप आंशिक भिन्न में क्या करोगे, ए अपॉन एक्स, देखो जब पावर में वन होते हैं ना सब, जितने भी आपको इसमें ये फंक्शन दिख रहे हैं ना, अगर पावर में वन होते हैं तो सिंगल ही लिखा जाता है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता तब बी एक्स प्लस सी टाइप का लिखते, अगर मान लो पावर में थ्री है तो हम बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखते, ये रहता है। तो ये आंशिक भिन्न में पढ़ते हैं आप ये सब, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एक्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। देखो ए के साथ क्या आएगा, x को छोड़ के दोनों आएंगे ना, क्योंकि x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x प्लस वन और x माइनस वन इंटू ए, प्लस बी के साथ क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आएंगे, तो x x माइनस वन इंटू बी प्लस, ये कैसे आ रहे हैं, भिन्न सॉल्व करते हैं वही होता है, क्योंकि तो आपको पता है जो यहाँ पर रहता है वो तो आता ही नहीं, ये इससे कैंसिल, ये बच जाएगा, तो x x प्लस वन आ जाएगा इंटू सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर चल जाएगा आपका x x प्लस वन और x माइनस वन, ठीक है, ये से कैंसिल, तो वन इज इक्वल टू ये आपका आ गया x प्लस वन और x माइनस वन इंटू ए प्लस x x माइनस वन इंटू बी प्लस x x प्लस वन इंटू सी, ठीक है। वैल्यू रख दो यहाँ पर, देखो मैंने क्या कहा था, वही सेम काम करते हैं ना जब पावर वन हो, तो देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो x इक्वल टू जीरो रख दूँ, तो पुट x इक्वल टू जीरो, फिर क्या करेंगे, पुट यहाँ पर देखो वन है तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो रख देंगे, यानी x इक्वल टू वन माइनस वन रख देंगे एक बार, तब एक फंक्शन, तब एक जो भी हमने माने हैं ना, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी की, पुट x माइनस वन इक्वल टू जीरो रख दो तो x इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। रखो x इक्वल टू जीरो, तो देखो वन इक्वल टू, जब जीरो रखोगे तो देखो यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई में है, तो जीरो रखोगे तो जीरो को मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी ओवरऑल जीरो, यहाँ भी जीरो मल्टी, ये x मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी आप वैल्यू रखोगे जीरो, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो कट जाएगा ना, यहाँ रखोगे जब आप, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर जब आप जीरो रखोगे तो जीरो प्लस वन वन आएगा, जब यहाँ जीरो रखोगे जीरो माइनस वन करोगे तो माइनस वन आएगा, तो प्लस का वन और माइनस का वन मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस का वन, ओके, यहाँ से आएगा आपका जीरो रखने के बाद वन, यहाँ पर जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वन आएगा, तो वन का माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन आएगा, और माइनस वन का मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो माइनस का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एक माइनस को इधर भेज दो तो ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस वन रखो, यहाँ जब माइनस वन रखोगे आप देखो एक्स की वैल्यू, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो ओवरऑल जीरो, ठीक है। यहाँ भी देखो माइनस वन प्लस वन क्या होगा जीरो, ये भी ओवरऑल जीरो, बच्चे का बी, तो यहाँ तो वन इजकल टू, यहाँ रखो तो यहाँ रखोगे आप x की ऊपर रखोगे माइनस वन ब्रैकेट में, यहाँ रखोगे माइनस वन तो माइनस वन क्या हो गया माइनस का टू, तो माइनस का वन ये इंटू माइनस का टू कितना हो जाएगा प्लस का टू, यानी टू तो मल्टीप्लाई में b, तो b की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉइंट टू, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू रखो, तो c यहाँ रखो x की वैल्यू वन रखोगे, देखो ध्यान से वन में से वन जाएगा जीरो, ये जीरो, वन में से वन जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया ना, ठीक है। तो वन इजकल टू यहाँ रखो, देखो वन वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, और इंटू सी, क्योंकि वन प्लस वन टू, तो वन इजकल टू टू सी, और सी इजकल टू वन अपॉन टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो सी और बी की वैल्यू एक ही आ रही है सेम टू सेम, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब ए बी सी की वैल्यू को ले जा करके इस इक्वेशन में रख दो, तो ए बी और सी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो वैल्यू ऑफ ए बी सी इनपुट इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से ये आएगा आपका वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इजिकल टू, यहाँ रखोगे वन माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू वन अपॉन टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी की वैल्यू वन अपॉन टू अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है।
अब क्या करो आप इंटीग्रेशन ले लो, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर हिंदी में लिख देना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन लोगे, तो इसका इंटीग्रेशन लोगे डी एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इजकल टू, देखो माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, वन अपॉन टू को बाहर निकाल देता हूँ, ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, इसको वन अपॉन टू को बाहर निकाल देता हूँ, ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, लॉग वन एक्स प्लस वन प्लस, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, लॉग में एक्स माइनस वन, ये आएगी ना, ठीक है। देखो माइनस में लॉग एक्स, अब देखो इन दोनों में आपको वन अपॉइंट टू दिख रहा है, कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा अंदर, लॉग में एक्स प्लस वन प्लस लॉग में एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लस वन अपॉइंट टू लॉग, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो यानी लॉग एक्स प्लस वन और लॉग एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के बंद कर दो, ठीक है, मॉड लगा के, ये आपका है माइनस में लॉग एक्स, और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस वन अपॉइंट टू को पावर में ले जाऊं तो फिर लॉग ए अपॉइंट बी बन जाएगा ये, ठीक है, और आगे भी कर सकते हैं, पर लेकिन इतना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, बस इतना और कर देना, माइनस में लॉग एक्स प्लस वन अपॉइंट टू लॉग ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इतना कर देना, प्लस लॉग सी, ये करना, जो लॉग सी ले लेना, फिर लॉग सी लोगे तो फिर आपको पता है सी अपॉन एक्स भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप लॉग सी लेके चलोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, तो इसका मतलब सी ही रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, आप कुछ भी रख लो आपका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। देखो ये आ गया, ये वैल्यू जो आई है वो आपकी इसकी आई है ना, इसकी आने का मतलब इसकी वैल्यू आई है, तो यहाँ ले जाके रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड, तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड से इसकी वैल्यू y और इसकी वैल्यू ये वाली, माइनस में log x प्लस वन अपॉइंट टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का c। अब देखो जो वैल्यू रखी है वो रख दो, पुट x इजकल टू टू एंड y इजकल टू जीरो रखो, तो y की वैल्यू जीरो रखोगे, ये जीरो इजकल टू, ये आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस में log टू दिख रहा ना, लॉग की वैल्यू रखोगे लॉग टू प्लस वन अपॉइंट टू लॉग में, यहाँ रखोगे टू की वैल्यू तो टू का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर फोर हो जाएगा, लॉग फोर, फोर माइनस वन करोगे थ्री हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आप देखो यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं आपका, ये कर लेते हैं सिंपली, देखो इसको अगर मैं लॉग सी लेके चलूँ तो और आसान हो जाएगा, ये लॉग सी लूँ, ठीक है, ये और ईजी हो जाएगा आपका, लॉग सी लो इससे ईजी पड़ जाएगा, इन कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ध्यान से, ये आपका बन रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए अपॉन बी, तो ये आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहेगा, ये एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से चलता हूँ आगे, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो आपको ये थोड़े लेंथी हैं ये क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन लेंथी है, वैसे ईजी है कैलकुलेशन, ठीक है, टफ नहीं है। तो यहाँ से क्या आपका, देखो ये आपका हो जाएगा जीरो इजकल टू ये लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी लॉग में ए अपॉन बी या सी अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू लॉग थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको आप एक लॉग को इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाओगे आप या इसको इधर ले जाओ, तो माइनस में लॉग में सी बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है, इजिकल टू ये हो जाएगा आपका वन अपॉइंट टू लॉग थ्री, और देखो वन अपॉइंट टू का पावर में ले जा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा लॉग थ्री की पावर वन अपॉइंट टू, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, जब माइनस को इधर ले जाओगे आप पावर को, तो देखो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखो, लॉग की पावर सी अपॉइंट टू की पावर माइनस वन बन जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम की पावर एन, यानी जो आगे होता है लॉग के उसको हम पावर में पहुंचा सकते हैं, इसकी में कंडीशन से लॉग की पावर, कौन सी, ये वाली से, लॉग एम की पावर एन जो होता है वो आपका एन लॉग एम होता है, ये दिख रहा ना, ये आगे पहुंच गया ये,
तो अब जब पावर माइनस है तो माइनस है तो पावर नीचे पहुंच जाएगी, ये क्या बन जाएगा आपका वन अपॉन सी अपॉन टू बन जाएगा ना, क्योंकि तो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा या टू अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है, तो टू अपॉन सी आ जाएगा ये सॉल्व होने के बाद, तो लॉग में टू अपॉन सी। अब देखो ये दोनों लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो टू अपॉन सी इजकल टू थ्री की पावर वन अपॉन टू हो जाएगा ये, ठीक है। अब c की वैल्यू को इधर ले जाओ तो ये 2 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये c की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, ठीक। तो देखो कहीं पर अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो आप चेक कर लेना, क्योंकि c की वैल्यू ये नहीं आ सकती, कुछ और आएगी, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, नहीं तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। बस प्रोसेस यही रहेगा, आपको प्रोसेस पर फोकस रखना है। तो ये आपका है था 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो 1 अपॉन टू लॉग में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 3 बाई 4, यानी लॉग में हमने क्या बनाया था, c अपॉन x था, ठीक है, लॉग 3 बाई 4 ये बता रहा है हमको। तो देखो ऐसे तो मिस्टेक ढूंढना थोड़ा टफ हो सकता है, तो यहाँ से आपकी देखो c की वैल्यू 3 बाई 4 आती है वैसे इसमें, ठीक है, मुझे थोड़ा याद भी है c की फोर शायद 3 बाई 4 की लॉग आती है, तो कहीं पर देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया, कहीं ना कहीं पर इसमें मिस्टेक हुआ ए बी सी की वैल्यू निकालने में। तो आई होप आपको प्रोसेस तो पता चल गया होगा कि कैसे प्रोसेस लगाना है आपको, ठीक है। तो जो प्रोसेस आपने यूज किया है ना, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से चलना, और एक बार चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। कहीं यहाँ पर थोड़ा सा चांसेज है कई बार मिस्टेक हो गई इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू नहीं आ पा रही है, पर लेकिन आप प्रोसेस सीख चुके हैं तो आप कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसमें कहीं पर, तो क्या है इसमें देखो सी की वैल्यू जो आपको दिख रही होगी ना, सी की वैल्यू जो आई है यहाँ पर आपको ये, या फिर इसका मैं एक सॉल्यूशन अलग से डाल दूंगा आप, ठीक है, छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। और सी की वैल्यू को ले जा करके आप पता हमको क्या करना है, जो ये आपका है ना इक्वेशन नंबर थर्ड, तो सी की वैल्यू को ले जा करके बस इसमें आपको रख देना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ये करना होता है हमको। ये आंसर आया, इसमें हमने वैल्यू रखी एक्स एंड वाई की, उसके बाद देखो ये सॉल्व होने का सी की वैल्यू निकली, सी की वैल्यू को ले जा करके हमको यहाँ पर रख देना है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है वैल्यू में कोई ए बी सी की में, ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो आपका 13 क्वेश्चन पर, और फिर आपका 14 डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस क्लास को बाइंड अप कर देंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक मिस्टेक हो गया इसमें, वो ये बस, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए, यहाँ वाई इजकल टू 1 और एक्स इजकल टू 0 है, और ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, आर किसको दिखा रहा है यहाँ पर, रियल नंबर को, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि जो आपका ए है ना, ये किसको दिखा रहा है, रियल नंबर को, रियल नंबर, रियल नंबर आप जानते होंगे जो हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर जाओगे तो आप रियल नंबर ही पाओगे, ठीक है, 0, 1, 2 जो भी होगा सारी नंबर आपके रियल नंबर ही होंगे, वास्तविक संख्या आपने पढ़े होंगे, रियल नंबर आपका चैप्टर ही होगा 10th में। तो देखो, तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, उसके लिए देखो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x में अलग y में अलग, तो पहले तो देखो यही फंसा हुआ है एंगल में, तो पहले तो हमको cos को इधर उधर ले जाना पड़ेगा, तभी इसको पहले हमको एक सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो cos को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, देखो dy / dx = आपको पता है cos को इधर ले जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये cos इनवर्स a हो जाएगा, ठीक है। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dy = cos इनवर्स a * dx, ये आ गया। अब देखो इसने a बिलोंग टू रियल नंबर का, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे, रियल नंबर को मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये कहना चाह रहा है ये। अगर इसकी कोई वैल्यू होगी यानी cos इनवर्स 2 हो या cos इनवर्स 3 हो तो आपको पता है इसकी कोई वैल्यू आएगी, अगर कोई इसकी वैल्यू आएगी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, मान लो कोई कॉन्स्टेंट ही होगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, अगर ये कॉन्स्टेंट है ये वैल्यू रखे, कोई वैल्यू होगी इसकी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो वही इसने कहा है कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये कॉन्स्टेंट का काम करेगा, तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ए को बाहर निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं इंटू डी एक्स, तो इसका वाई हो जाएगा, ये आपका कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या करो, पुट कर दो, पुट x इजकल टू जीरो एंड y इजकल टू वन, रखोगे आप y की वैल्यू वन, x की वैल्यू जीरो, तो जीरो रखोगे ये ओवरऑल जीरो, तो c की वैल्यू आ गई वन। अब c की वैल्यू को वन के लिए यहाँ रख दो, तो c इजकल टू वन, पुट सॉरी समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है एक मिनट। ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो c की वैल्यू वन रख दो यहाँ पर, इसमें रहोगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस का वन, y को इधर ले, वन को इधर ले जाओ तो y माइनस वन इजकल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स, ये हो गया ठीक है। अब आप इसको इसके डिवाइड में भी ले सकते हो, यानी कॉस y माइनस वन हो जाएगा ये इजकल टू, यहाँ से आपका x इंटू ए आ जाएगा। अब a को भी इसके डिवाइड में भेज सकते हो आप, x इजकल टू वन अपॉन ए कॉस y माइनस वन, ये भी आंसर यहाँ छोड़ सकते हो या ये भी आंसर छोड़ सकते हो आप एज और बेस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई टेन एक्स, जब वाई टू है और एक्स जीरो है, ठीक है रखो वैल्यू, तो वाई को वाई के साथ में ले जाओ, तो डी वाई को वाई के साथ ले जाओ, नीचे ले जाओ इसके डिवाइड में भेज दोगे डी एक्स का दम मल्टीप्लाई कर दो, तो टेन एक्स इंटू डी एक्स, डी वाई अपॉन वाई क्या हो जाएगा आपका लॉग वाई, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, ध्यान रखना नहीं पता तो आपका होता है लॉग में सेक एक्स प्लस का सी या माइनस में लॉग में कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है सेक में लिखना चाहो सेक में लिख सकते हो, कॉस में लिखना चाहो माइनस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका लॉग में सेक एक्स प्लस का सी, यानी सब लॉग में, तो लॉग में ले लेता हूँ ठीक है, यहाँ से देखो लॉग ए इंटू लॉग बी करो तो लॉग ए भी हो जाएगा ये सी इंटू सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है इधर क्या आपका लॉग वाई है, अब देखो लॉग से लॉग कैंसिल तो वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका सी इंटू सेक एक्स, ये आ गया। अब रख दो इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू टू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है रख दो इसमें वैल्यू, रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी है टू और सेक की वैल्यू कितनी है आपकी जीरो, तो sec 0 की वैल्यू आप पता है क्या होगी 1 होती है ना, ठीक है तो ये आ जाएगा c इक्वल टू टू, और c इक्वल टू टू इसको मान लो सेकंड, तो c इक्वल टू टू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख दो यहाँ पर तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू सी की वैल्यू टू, 2 इंटू sec x, एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन था लॉग सेक एक्स, सी आता है लॉग सी मान लिया, फिर हमको पता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है वो होता है लॉग में ए इंटू बी, ए इंटू बी ये आता है, ये हमने कर दिया लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी लॉग से लॉग कैंसिल, वाई इजकल टू सी सेक एक्स, वाई इजकल टू टू और एक्स इजकल टू जीरो हमने यहाँ पर इसमें रख दिया, ठीक है तो वाई इक्वल टू सी इंटू सेक जीरो, सेक जीरो की वैल्यू वन होती है तो सी का मान टू आ गया, सी की वैल्यू को ले जाकर यहाँ रख दिया, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर आपका चलो 15 और 16, ये ठीक है 15 16 17 18 और 19 20 21 ये जो 19 20 21 22 और एग्जांपल, ये एक अलग सेपरेट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो आपका 15 16 17 18 ठीक है, ये चार क्वेश्चन है इनको मैं अलग एक वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है और आपका ये 20वां क्वेश्चन है जो, तो वैसे तो दो वीडियो रहेंगी इस पर, तो एक वीडियो में मान लो ये एक्सरसाइज आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज पर चलेंगे और आपका जो आपको जो नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर पर मिलने वाला है, ठीक है तो कल आपको ये वीडियो मिलेगा सेकंड चैप्टर पर जहाँ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है थोड़ा लेंथी वीडियो होगा उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर करने की मैं कोशिश करूँगा, तो दो तीन क्लास में फिनिश कर देंगे हम सेकंड चैप्टर को, ठीक तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।